एवरीवन, आई एम शिवानी सोलंकी एंड आई वेलकम यू ऑल टू द लॉ वाला चैनल, जहां पर आज हम जब हमारी ट्रायल खत्म हो चुकी है तो अब हम शुरू करेंगे प्ली बार्गेनिंग, दैट इज चैप्टर नंबर 21A, जो कि ऐड हुआ था अमेंडमेंट से. जितना इंपॉर्टेंट इसका अमेंडमेंट का टाइम, अमेंडमेंट का डेट है, उतना ही इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है, बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ ट्रायल. जब ट्रायल में किसी पर्सन को स्टूडेंट्स कन्विक्शन मिल जाता है, जब उसको सेंटेंस मिलता है, तो वो सबसे पहले आके प्ली बार्गेनिंग करता है. बार्गेनिंग का मतलब हम बहुत अच्छे से समझते हैं, जहाँ पर पार्टीज नेगोशिएट करते हैं. वी नो कि अगर हमें कोई सामान लेने मार्केट जाना है तो सबसे पहले हम करेंगे कि बार्गेनिंग. अब बार्गेनिंग होती है तो अच्छी बात है, नहीं होती तो पैसा दे के आते ही हैं. लेकिन यहाँ पर जब बात करें 21A की, तो यहाँ पर प्ली बार्गेनिंग का मतलब ये है कि जो अक्यूज्ड है, जिसको कन्विक्ट किया जाता है, वो बार्गेन करता है अपनी पनिशमेंट के लिए. कुछ ऐसी पर्टिकुलर चीजें हैं जो हमें यहाँ पर समझनी है, जहां से प्रिलिमिनरी में क्वेश्चन आते हैं और हम थोड़ी सी कंसेप्चुअल क्लैरिटी ना होने की वजह से कुछ गलतियां कर बैठते हैं. इस पूरे चैप्टर को डील करने वाले हैं, दैट इज टू से सारे के सारे हम इसमें सेक्शंस करने वाले हैं. एक भी सेक्शन छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि हमें लगता है 365 A, B, C पढ़ लो और ज्यादा से ज्यादा D भी पढ़ लो, ताकि हमारा म्यूचुअली सेटिस्फैक्ट्री डिस्पोजिशन है वो कंप्लीट हो जाए, देन वी आर डन. नो, सारे, चाहे फाइनलिटी ऑफ जजमेंट हो, चाहे आपका डिसीजन हो, चाहे डिस्पोजल हो, चाहे नॉन एप्लीकेशन हो, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है. सो वी विल बी डूइंग ऑल द बेसिक्स एज वेल एज रीडिंग द बेयरिंग, सो दैट थिंग्स बिकम वेरी मच क्लियर टू अस. इससे पहले के सेशंस में स्टूडेंट्स हम ट्रायल सारी फिनिश कर चुके हैं, दैट इज टू से चैप्टर नंबर 18 से लेके चैप्टर नंबर 21 कवर कर चुके हैं. 18, 19, 20, 21 सब कर चुके हैं. वॉरंट ट्रायल कर चुके हैं, वॉरंट ट्रायल बाय कोर्ट ऑफ सेशन, वॉरंट ट्रायल बाय मैजिस्ट्रेट, समन्स ट्रायल कर चुके हैं, एज वेल एज समरी ट्रायल भी कर चुके हैं. होप आपको समरी ट्रायल एज वेल एज सारी टाइप्स ऑफ ट्रायल्स बहुत अच्छे से समझ आई होगी. जब तक आपका बेरिट का इंटरप्रिटेशन अच्छा नहीं होता है, आप कोर्ट की भी कोई प्रोसीडिंग्स या रूलिंग्स को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे. सो इट इज वेरी नेसेसरी दैट यू इंटरप्रेट योर बेरिट्स वेरी वेल. ओके, एंड आई होप आप एमसीक्यू साथ में लगाए रहे होंगे. जब हमारा सीआरपीसी का सारे 50 या 55 लेक्चर्स कंप्लीट हो जाएंगे, देन मेक श्योर दैट यू अटेम्प्ट द 500 एमसीक्यूज दैट वी हैव ऑलरेडी कवर्ड ऑन लॉ वाला चैनल. ठीक है, क्लियर है? एंड आई होप आप इन सेशंस की पीडीएफ या जो नोट्स है वो भी कलेक्ट कर रहे हो. वो कहाँ से कलेक्ट करेंगे? पीडब्ल्यू ऐप से कलेक्ट करेंगे. ओके, चलिए आते हैं मुद्दे की बात पे. चैप्टर नंबर 21A किससे डील करता है? प्ली बार्गेनिंग से डील करता है. किस चीज का बार्गेन कर रहे हैं हम? बार्गेन कर रहे हैं यहाँ पे रिगार्डिंग दी सेंटेंस. किसके रिगार्डिंग? सेंटेंस के रिगार्डिंग, नॉट फॉर द चार्ज. चार्ज वी नो, आपको पता है स्टूडेंट्स, जब चार्ज फ्रेम होता है, चार्ज फ्रेम होने के बाद एक प्ली कोर्ट देता है, एक प्ली कोर्ट आपसे लेता है या आपसे पूछता है वेदर यू प्लीड गिल्टी और नॉट. तो एक प्ली ऑफ गिल्टी तो हम वहां पढ़ के आए, एक प्ली हम यहाँ पढ़ रहे हैं जो कि बात करता है प्ली बार्गेनिंग का. सो ये आपके ऐड हुआ था स्टूडेंट्स 2006 में. ये चैप्टर कब ऐड हुआ था? एज यू कैन सी द हेडिंग ऑफ दिस पॉइंट, इंसर्टेड बाय एक्ट 2 ऑफ 2006 एंड विद इफेक्ट फ्रॉम व्हेन? विद इफेक्ट फ्रॉम 5th जुलाई 2006. 5/7/2006 में ये आपका इफेक्ट में आ गया था. ये चैप्टर कौन सा? चैप्टर नंबर 21. लेटर ऑन ऐड किया गया है, हार्डली इसको कह सकते हैं कि हम 17-18 साल हुए हैं ऐड हुए. 265A से लेके L तक हमारे पास यहाँ प्रोविजंस हैं. इन प्रोविजंस को मैंने कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है ताकि हमारे लिए ईजी हो यहाँ के सारे सेगमेंट्स को समझने के लिए. अब यहाँ पे आपको ये चीज ध्यान रखनी है स्टूडेंट्स, बार्गेनिंग कहूँ या नेगोसिएशन कहूँ, क्या कहूँ? नेगोसिएशन कहूँ. किसका होता है यहाँ पे? हमेशा सेंटेंस का होता है, चार्ज का नहीं होता है. हमेशा सेंटेंस का होता है, चार्ज का नहीं होता है. नेगोसिएशन करता कौन है? अक्यूज्ड करता है. क्यों करता है? ताकि उसको कुछ कंसेशन मिल सके. कंसेशन इन पनिशमेंट गिवन. और दूसरा चीज, अब ये बार्गेनिंग करता किसके साथ है? वो करता तो अक्यूज है, लेकिन विद हुम? विक्टिम के साथ करता है, या फिर हम कह सकते हैं कि प्रोसिक्यूशन के साथ करता है कि हाँ भाई, मैंने आपके अगेंस्ट क्राइम किया, माना गलती हो गई, आगे से नहीं करूंगा, आप ही के वजह से यहाँ पे मुझे, आपने ही केस चलाया तो मुझे कन्विक्शन हुआ है, मेक श्योर कि करें आप, मेक श्योर करें कि मुझे कम से कम यहाँ पे पनिशमेंट मिले. सो कहें एक तरीके से क्या होता है कि यहाँ पर कन्विक्शन तो हो चुका है, लेकिन कन्विक्शन के बाद हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पे पार्टीज को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं. वहीं पर अगर हम बात करें स्टूडेंट्स किसकी? कंपाउंडिंग की. कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस पढ़ते हैं हम सेक्शन 320 में, तो वहां पर भी तो मैम ऐसी ही पार्टीज के बीच कुछ बात होती है, बट वहां पे स्टूडेंट्स ऑफेंस को कंपाउंड किया जाता है, मतलब केस को वापस ले लिया जाता है.
क्या कर लिया जाता है, केस को वापस ले लिया जाता है, और उसका इफेक्ट क्या होता है, उसका इफेक्ट एक्विटल होता है. वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अंडर सेक्शन 320 की कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस का इफेक्ट क्या होता है, एक्विटल होता है. बट प्ली बार्गेनिंग अगर सक्सेसफुल रही तो क्या उसका इफेक्ट एक्विटल होगा? आंसर इज नो. प्ली बार्गेनिंग का कभी भी अगर सक्सेसफुली वर्कआउट कर जाता है तो प्ली बार्गेनिंग का कभी भी इफेक्ट एक्विटल या डिस्चार्ज नहीं होता है. कन्विक्शन तो होगी होगी, बस बार्गेन कर रहे हैं आप ताकि आपको कंसेशन या रिसेशन मिल सके. किसमें? पनिशमेंट में. थोड़ी आपकी पनिशमेंट कम कर दी जाए, दैट इज इट. ओके, तो चलिए देखेंगे हमारे पास चैप्टर नंबर 21 का चार्ट क्या है. तो मैंने इसको बेसिकली चार मेजर पोर्शंस में डिवाइड किया. किसमें डिवाइड किया? चार मेजर पोर्शंस में मैंने इस पूरे चैप्टर को डिवाइड किया है. जहां सबसे पहले हमको बेसिक में ये समझना है कि कौन से मुद्दों पर प्ली बार्गेनिंग दी जा सकती है, दैट इज वेयर प्ली बार्गेनिंग चैप्टर अप्लाइज एंड वेयर प्ली बार्गेनिंग चैप्टर डज नॉट अप्लाई. क्या हर केस में प्ली बार्गेनिंग हो सकती है? क्या किसी लड़की के साथ किसी पर्सन ने रेप किया, उसके बाद वहां पे जाकर जब कन्विक्शन हो गया तो लड़की से प्ली बार्गेनिंग कर रहा है, इज इट अलाउड? किसी का मर्डर कर दिया, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव से बोल रहा है भाई साहब प्ली बार्गेनिंग कर लो, इज इट अलाउड? नो. सो वहां पे सेक्शन नंबर 365A में हमें कुछ ऐसे प्रोविजंस दे रखे हैं जहां पर हमारा प्ली बार्गेनिंग अप्लाई होता है. मतलब ये चैप्टर नंबर 21 सिर्फ कुछ प्रोविजंस पे अप्लाई होता है और कुछ प्रोविजंस पे बिल्कुल अप्लाई नहीं होता है. वुमेन से रिलेटेड हो गए, सोशियो इकोनॉमिक मैटर से रिलेटेड हो गए, जुवेनाइल या चाइल्ड से रिलेटेड हो गए, वहां हमारा चैप्टर नंबर 28 स्टूडेंट्स अप्लाई नहीं करता है. क्लियर? उसके बाद सो सॉरी चैप्टर नंबर 365B में हमें ये देखना, नॉट चैप्टर, सेक्शन नंबर 265B में हमें ये देखना है कि एप्लीकेशन दे कौन सकता है प्ली बार्गेनिंग के लिए. क्या हर कोई एप्लीकेशन दे सकता है? क्या अगर मुझे कन्विक्ट किया तो मेरे लीगल रिप्रेजेंटेटिव एप्लीकेशन दे सकते हैं? आंसर इज नो. इट इज ऑलवेज एंड ऑलवेज अक्यूज्ड हु हैज टू गिव द एप्लीकेशन. वो ही यहाँ पर आकर क्या करेगा? आवेदन देगा. तभी यहाँ पर क्या होगा, आवेदन कहूँ या अर्जी कहूँ, तभी यहाँ पर उसकी प्ली बार्गेनिंग के लिए प्रोसीजर आगे बढ़ेगा. अब प्ली बार्गेनिंग अगर मैंने कोर्ट में दे दी है ना, एप्लीकेशन दे दिया, तो क्या तुरंत हो जाएगा या उसका भी कोई प्रोसीजर होगा? बिल्कुल उसका भी प्रोसीजर होगा. जैसे ट्रायल का अलग से प्रोसीजर होता है स्टूडेंट्स, वैसे ही प्ली बार्गेनिंग का भी प्रॉपर अलग से प्रोसीजर होता है, जहां पे हमें चार सेक्शंस पढ़ने होंगे. 365C से हमारा प्रोसीजर चालू होता है, ठीक है? सी फॉर हमारा प्रोसीजर चालू हो रहा है एंड एफ फॉर फाइनल जजमेंट आ रहा है, ठीक है? तो सी से चालू होता है 265, स्लिप ऑफ टंग हो रहा है, थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा. इट मींस 265C में क्या होता है स्टूडेंट्स? म्यूचुअल सेटिस्फैक्ट्री डिस्पोजिशन. क्या बोलते हैं इसको? म्यूचुअल सेटिस्फैक्ट्री डिस्पोजिशन होता है. अब म्यूचुअल सेटिस्फैक्ट्री डिस्पोजिशन का भी प्रोसीजर है. डिपेंड करेगा कौन सा केस है आपका. क्या इज इट अ केस इंस्टीट्यूटेड ऑन पुलिस रिपोर्ट और इज इट अ केस अदरवाइज ऑन अ पुलिस रिपोर्ट, तो उसके अकॉर्डिंग प्रोसीजर चलेगा. दोनों में प्रोसीजर अलग है. म्यूचुअल सेटिस्फैक्ट्री डिस्पोजिशन का जो भी रिजल्ट आएगा उसको 265D में क्या करेंगे स्टूडेंट्स? हम रिपोर्ट करेंगे. मतलब मैजिस्ट्रेट उसको रिपोर्ट करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे. अगर वर्कआउट कर लेता है गुड, अगर वर्कआउट नहीं करता है देन इन दैट केस व्हाट, हम अपनी प्रोसीजर जो पहले प्रोसीजर चल रही थी उस प्रोसीजर को प्रॉपर चलाएंगे और उसके बाद पर्सन को कन्विक कर देंगे, मतलब सेंटेंस का एग्जीक्यूशन कर देंगे. 265E में क्या होता है? फाइनली मैटर को डिस्पोज करते हैं. हम क्या करते हैं? केस को हम फाइनली डिस्पोज करते हैं एंड देन आता है हमारे पास जजमेंट. 265F में क्या होता है स्टूडेंट्स? जजमेंट होता है. जो हमारा CDE में जो भी हमारा प्रोसीजर चला है उसका जजमेंट कहाँ आता है? 265F में हमारे पास जजमेंट आता है. क्लियर है ये चीज? देन देर आर अदर प्रोविजंस विच आर देयर, जो हमें किसमें पढ़ना है? जो हमें पढ़ना है 365G, 365H, 265G, 265H, 265I एंड 265 के में पढ़ना है. यहां से आपको एक प्रोविजन गायब दिख रहा है, दैट इज 265L. एक और प्रोविजन गायब दिख रहा है आपको 265J, जो कि किसकी बात करता है? सेविंग्स की बात करता है. किसकी बात करता है? सेविंग्स की बात करता है. सो बेसिकली L को मैंने यहां लिखा है क्योंकि वो भी नॉन एप्लीकेशन की बात कर रहा है. किसकी बात कर रहा है? नॉन एप्लीकेशन की बात कर रहा है 265L. क्लियर है ये चीज? सो नाउ वी विल मूव ऑन, जहां पे एक बार अदर प्रोविजंस में हमें क्या पढ़ना है. 265G ये कहता है स्टूडेंट्स कि जजमेंट क्या हो जाता है? फाइनल हो जाता है. दैट इज जजमेंट फाइनल हो जाता है. अब आपके प्ली बार्गेनिंग से जो भी रिजल्ट निकला है आप अपील नहीं कर सकते हैं.
लेकिन कुछ ऐसे सिचुएशंस हैं जो कि अलाउड है, जैसे कि 226 एंड 227, आर्टिकल नंबर 226 एंड 227 के अंतर्गत हम रिट पिटीशन लगा सकते हैं, एंड आर्टिकल नंबर 136 के अंदर हम सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन लगा सकते हैं। 265H क्या बोलता है? कोर्ट का पावर, क्या बताता है? कोर्ट का पावर बताता है, कोर्ट के पास पावर्स है, किसका किसका? ट्रायल कंडक्ट करने का पावर है, बेल ग्रांट करने का पावर है, ओके? देन इज 265I जो बताता है पीरियड ऑफ डिटेंशन अंडरगोन, जितना पीरियड ऑफ डिटेंशन एक पर्सन अंडरगो कर चुका है उस पीरियड ऑफ डिटेंशन को हम क्या कर देंगे स्टूडेंट्स? सेट ऑफ कर देंगे। देन इज 265K जो बोलता है अक्यूज ने अगर कोई स्टेटमेंट दिया है यहां पर प्ली बार्गेनिंग में, उसको आप किसी पर्पस के लिए यूज नहीं करोगे एक्सेप्ट योर चैप्टर नंबर 21A। सिर्फ और सिर्फ 265K ये कहता है कि अगर किसी पर्सन ने अक्यूज ने स्टेटमेंट दिया है उसको सिर्फ और सिर्फ 21A के लिए यूज करेंगे, बाकी किसी के लिए यूज नहीं करेंगे। क्लियर है? सो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे किससे? बेसिक से। बेसिक में 265A में स्टूडेंट्स दो चीज दे रखी है। 265 में ही कुछ चीजें मेंशन कर रखी है, बोलता है कि यहां पर हमारा प्ली बार्गेनिंग के लिए कुछ ऐसे मैटर्स है, कुछ ऐसे ऑफेंसेस है जहां पर प्ली बार्गेनिंग अप्लाई होगी, एंड कुछ ऐसे मैटर्स है जहां पर प्ली बार्गेनिंग बिल्कुल अप्लाई नहीं होगी। सो विच आर दोस सिचुएशन? एप्लीकेशन की बात करें हम तो 265A ये बोलता है कि चैप्टर नंबर 21A सिर्फ उन ऑफेंसेस पे अप्लाई करेगा, सिर्फ उन ऑफेंसेस पे अप्लाई करेगा जहां पर की पनिशमेंट 7 years से कम है। 7 years से जहां पनिशमेंट कम है वहां अप्लाई होगा। दैट इज ऑफेंसेस अदर देन, ऐसे ऑफेंसेस जिनमें की पनिशमेंट कितनी है, जिसमें की पनिशमेंट इज डेथ, एलआई और मोर देन 7 years, वहां पर हमारा प्ली बार्गेनिंग दैट इज चैप्टर नंबर 28 अप्लाई नहीं होगा। सो कहां अप्लाई होगा? हर वो ऑफेंसेस अदर देन डेथ, एलआई और 7 years से ज्यादा पनिशेबल है उनके अलावा जितने भी ऑफेंसेस है वहां पर हमारा क्या कर जाएगा? चैप्टर नंबर 21 अप्लाई हो जाएगा, मतलब वहां हम प्ली बार्गेनिंग कर सकते हैं। और कहां अप्लाई नहीं होगा? तो उन्होंने बोला सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस, कुछ ऐसे मैटर्स हैं जो क्या है, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस वाले मैटर्स हैं, उन पे क्या नहीं होगा? चैप्टर नंबर 21 अप्लाई नहीं होगा। ऑफेंसेस अगेंस्ट विमेन या चाइल्ड बिलो 14 years है, तो 14 years के बिलो चाइल्ड है या कोई विमेन है जिसके साथ ऑफेंस किया गया है, जिसके अगेंस्ट ऑफेंस किया गया है, वहां पर प्ली बार्गेनिंग नहीं की जा सकती है। एंड सेक्शन नंबर 265L ये कहता है कि कोई भी जुवेनाइल या चाइल्ड है जो कि डिफाइंड है कहां पर? जेजे एक्ट में अंडर 2K, उसके ऊपर हमारा ये चैप्टर अप्लाई नहीं होता है। उसके ऊपर हमारा ये चैप्टर क्या नहीं होगा स्टूडेंट्स? अप्लाई नहीं होगा। क्लियर है? सो एक बार हम पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 265A। 265A सबसेक्शन 1 सेज दिस चैप्टर शैल बी एप्लीकेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ एन अक्यूज्ड अगेंस्ट हुम ए क्लॉज A report has been forwarded by the officer in charge of the police station under section 173, alleging that offence appears to have been committed by him other than for which the punishment of death or life imprisonment or imprisonment exceeding 7 years has been provided. तो जरूरी है कि वहां पे क्या होनी चाहिए? 173 के अंडर पुलिस रिपोर्ट भी पुलिस ने सबमिट की होनी चाहिए। Subsection, sorry, clause B ये कहता है, a magistrate has taken cognizance of an offence on complaint. तो दोनों जगह अप्लाई होता है स्टूडेंट्स। ए में क्या बोला? अगर 173 के अंडर पुलिस रिपोर्ट आई तो, और बी में बोला कि अगर मजिस्ट्रेट ने कंप्लेंट पे कॉग्निजेंस लिया तो वहां पर भी अप्लाई होगा प्ली बार्गेनिंग। अदर देन ऑफेंस फॉर विच पनिशमेंट ऑफ डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और इम्प्रिजनमेंट मोर देन एक्सीडिंग 7 years हैज बीन प्रोवाइडेड फॉर द टाइम बींग इन फोर्स एंड आफ्टर एग्जामिनिंग कंप्लेनेंट एंड विटनेस अंडर 202 इशूड द प्रोसेस अंडर सेक्शन 204। मतलब यहाँ पे सेक्शन नंबर 204 का कंप्लायंस करने के बाद और ये मेक श्योर करने के बाद कि पनिशमेंट कितनी नहीं है उस ऑफेंस की, डेथ नहीं है, एलआई नहीं है, 7 years से मोर नहीं है, देन इन दैट केस प्ली बार्गेनिंग यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। लेकिन कहाँ अप्लाई नहीं होगा? कहाँ अप्लाई नहीं होने के लिए इसने खुद हमें प्रोवाइजो में क्या बोला? प्रोवाइजो नहीं, यहाँ से शुरू होता है बट से, डज नॉट अप्लाई वेयर द ऑफेंस इफेक्ट सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द कंट्री और has been committed against a woman or child below the age of 14 years. अब ये decide कौन करेगा कि भाई socio-economic conditions को effect कर रहा है कोई offence?
For the purpose of subsection 1, central government shall determine the offences under the law for time being in force shall be the offence affecting the socio-economic condition. तो ये decide कौन करेगा students? ये decide किया जाता है central government द्वारा. ये question आ सकता है preliminary में पूछा जा सकता है कि किसके पास power होता है ये decide करने के लिए कि कोई particular offence आपके socio-economic conditions को affect करेगा या नहीं करेगा. Now come to 265L. अब 265L पे आओ. Nothing in this chapter shall apply to any juvenile or child as defined under sub-clause K of section 2 of the Juvenile Justice Act 2000. Juvenile Justice Act 2000 के section number 2 clause K, that is sub-clause K के अंतर्गत अगर juvenile और child जहाँ पे वो mentioned है उसके ऊपर हमारा chapter number 21A apply नहीं होगा. Clear ये चीज? Okay. Now we will move to कि कौन यहाँ application दे सकता है. तो 265B में हमें थोड़ी बड़ी सी procedure दे रखी है, but हम लोग इसको समझेंगे. हमेशा application देगा students एक accused. कौन देगा? एक application दी जाएगी accused के द्वारा. और वो application भी कब देनी है? जब trial अभी court में pending है. क्या है? Trial court में pending है, तब यहाँ आप application दे सकते हो. Application होगी कैसे? हमेशा writing में होगी and it will be supported by an affidavit. Along with affidavit, और साथ में क्या होना चाहिए? ये application आपने voluntary की होनी चाहिए. कोई compulsion के under नहीं होना चाहिए. Involuntary application नहीं होनी चाहिए, voluntary application होनी चाहिए. Magistrate खुद को satisfy करेंगे. Clear edit? जैसे ही ऐसी application आती है students, magistrate notice करेंगे. किसको notice देंगे? Public prosecutor को देंगे, complainant को देंगे, accused को भी ऐसी notice दी जाती है. किस चीज का notice दिया जाता है? To appear on the day fixed. यहाँ पे मजिस्ट्रेट एक डेट को फिक्स करेंगे और उस डेट पर अपीयर होने के लिए पीपी कंप्लेनेंट एंड अक्यूज को नोटिस देंगे कि फलाने दिन पे आप लोग कोर्ट में आ जाना. और अक्यूज को हम एग्जामिन कर सकते हैं किसमें? कैमरा में. याद आ रहा है 327 ओपन कोर्ट एंड 237 जो कि प्रोसीजर बताता है सेक्शन 199 सब सेक्शन 2, सब में क्या बोला कि यहाँ पे इन कैमरा ट्रायल हो सकती है. क्लियर? अगर मान लो सेटलमेंट पर आ गई दोनों पार्टीज, मतलब उन्होंने बार्गेनिंग कर लिया, सेटलमेंट हुआ उनके बीच, तो जजमेंट दे देंगे हम कहां पर? ओपन कोर्ट में. 327 किसकी बात करता है? ओपन कोर्ट की बात करता है. तो अगर सेटलमेंट पे आ गए तो जजमेंट प्रोनाउंस हो जाएगा ओपन कोर्ट में. और साथ ही में वहां पे क्या कर सकता है कोर्ट? विक्टिम के लिए कॉम्पनसेशन भी दे सकता है. विक्टिम के लिए कॉम्पनसेशन देने को बोल सकता है. किसको बोल सकता है? अक्यूज को बोल सकता है. अगर कोर्ट को उचित लगता है, दैट इज टू से मैजिस्ट्रेट को उचित लगता है, तो अक्यूज को सेक्शन नंबर 360 का बेनिफिट दे देंगे, दैट इज प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट पे उसको रिलीज कर सकते हैं. एंड अगर मैजिस्ट्रेट चाहे तो उस अक्यूज को क्या कर सकते हैं? वन हाफ पनिशमेंट भी दे सकते. कितनी पनिशमेंट? हाफ पनिशमेंट भी दे सकते हैं. एंड प्ली बार्गेनिंग में से आया कोई भी निर्णय जजमेंट फाइनल रहेगा, उसकी अपील नहीं होगी एक्सेप्ट रिट पिटीशन अंडर 226 एंड 227. क्या रेमेडी बचती है यहाँ पर अक्यूज के पास अगर वो प्ली बार्गेनिंग से आए जजमेंट से एग्रीव्ड है? वो 226 या 227 में हाई कोर्ट के पास जा सकते हैं रिट पिटीशन फाइल करके, एंड सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं आर्टिकल नंबर 136 में स्पेशल लीव पिटीशन फाइल करके. क्लियर है चीज? आइए एक बार 265B की एक बार रीडिंग लगाएंगे. जहाँ सबसेक्शन 1 ये कहता है, अ पर्सन अक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस मे फाइल एन एप्लीकेशन फॉर प्ली बार्गेनिंग इन एनी इन द कोर्ट इन विच सच ऑफेंस इज पेंडिंग फॉर ट्रायल. आपको वहीं पर एप्लीकेशन लगानी है उसी कोर्ट में जहां पे आपकी ट्रायल पेंडिंग है अभी. सबसेक्शन 2, द एप्लीकेशन अंडर सबसेक्शन 1 शैल कंटेन ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द केस. मतलब इसमें क्या क्या होगा? ब्रीफ डिस्क्रिप्शन होने वाला है केस का, इंक्लूडिंग द ऑफेंस टू विच द केस रिलेट्स, एकॉम्पनीड बाय एन एफिडेविट स्वॉन बाय द अक्यूज स्टेटिंग दैट ही हैज वॉलंटरी प्रेफर्ड द अपील आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ द पनिशमेंट provided under the law for the offence, the plea bargaining in his case and that he is not previously convicted. क्या उसको mention करना है? पहला तो मैं voluntary application दे रहा हूँ, दूसरा कोई भी मेरा previous conviction नहीं हो रखा है यहाँ पर. Okay, subsection 3, after receiving application the court shall issue notice to PP or the complainant of the case as the case may be and the accused to appear on the day fixed for the case. बराबर, ये हो गया हमारा कि भाई उनको नोटिस इशू करने वाले. सबसेक्शन 4, द पीपी और कंप्लेनेंट एज द केस मे बी एंड द अक्यूज अपीयर्स ऑन द फिक्स डेट द कोर्ट शैल एग्जामिन द अक्यूज इन कैमरा वेयर द अदर पार्टी इन द केस शैल नॉट बी प्रेजेंट. सो बेसिकली अक्यूज को हम यहाँ क्या करेंगे? वर्ड लिखा है शैल, मतलब उसको हमें कैमरा में ही एग्जामिन करना है जहाँ पे दूसरी पार्टी क्या नहीं होगी, अपियर नहीं होने वाली है.
क्लॉज ये कहता है आगे, द कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट द एप्लीकेशन हैज बीन फाइल्ड बाय अक्यूज वॉलंटरी. अगर कोर्ट को लगता है कि हाँ यहाँ पर अक्यूज ने एप्लीकेशन को वॉलंटरी फाइल किया है, देन इट शैल प्रोवाइड टाइम टू पीपी. पीपी को टाइम प्रोवाइड करने वाले हैं एंड द कंप्लेनेंट ऑफ द केस एंड द अक्यूज टू वर्क आउट म्यूचुअल सेटिस्फैक्ट्री डिस्पोजिशन. टाइम दिया जाएगा क्लॉज ए में कि भाई एमएसडी कर लीजिए, म्यूचुअल सेटिस्फैक्ट्री डिस्पोजिशन कर लीजिए, मे इंक्लूड गिविंग टू द विक्टिम बाय अक्यूज द कॉम्पनसेशन. साथ में यहाँ पे क्या कर सकता है कोर्ट, चाहे तो कॉम्पनसेशन दे सकता है किसको, विक्टिम को, एंड अदर एक्सपेंसेस ड्यूरिंग द केस एंड देयर बाय फिक्स द डेट फॉर द फर्दर हियरिंग. क्लॉज बी में क्या बोला, अगर देखो क्लॉज ए में तो अगर एप्लीकेशन वॉलंटरी फाइल किए तो, क्लॉज बी में बोला कि अगर कोर्ट को महसूस हुआ, मजिस्ट्रेट को महसूस हुआ कि एप्लीकेशन इनवॉलंटरी फाइल की गई है बाय द अक्यूज्ड, या फिर उसको प्रीवियस कन्विक्शन हो रखा है, प्रीवियसली ही वॉज कन्विक्टेड इन अ केस इन विच ही हैड बीन चार्ज फॉर द सेम ऑफेंस, इट शैल प्रोसीड फर्दर इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस कोड फ्रॉम द स्टेज सच एप्लीकेशन हैज बीन फाइल्ड. तो जिस दिन उसने एप्लीकेशन फाइल की उस दिन से पहले जो भी प्रोसीजर चल रही थी उस प्रोसीजर को कंटिन्यू कर लेंगे मजिस्ट्रेट, एज इफ हमने कोई प्ली बार्गेनिंग लगाई ही नहीं है. पता चला भाई इनवॉलंटरी, या फिर आपने इनवॉलंटरी एप्लीकेशन लगाई या प्रीवियस कन्विक्शन आपका हो चुका है तो. क्लियर, नाउ वी विल मूव ऑन टू द प्रोसीजर. किसके साथ चलेंगे, प्रोसीजर 265C में स्टूडेंट्स गाइडलाइंस दे रखा है हमको किस चीज के लिए, म्यूचुअली सेटिस्फैक्ट्री डिस्पोजिशन के गाइडलाइंस दे रखे हैं. अगर हमारा केस किस पे है स्टूडेंट्स, पुलिस रिपोर्ट पे हमारा केस है, तो वहां पर मैजिस्ट्रेट नोटिस किसको किसको देंगे, पीपी को देंगे, आईओ, आईओ मींस इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, अक्यूज्ड और विक्टिम को नोटिस देंगे. लेकिन अगर हमारा केस अदरवाइज ऑन पुलिस रिपोर्ट है, दैट इज केस किस पे है स्टूडेंट्स, कंप्लेंट पे है, तो यहां पर म्यूचुअल सेटिस्फैक्ट्री डिस्पोजिशन के लिए नोटिस किसको देंगे, अक्यूज्ड एंड विक्टिम को नोटिस देंगे. किसको देंगे, अक्यूज्ड एंड विक्टिम को नोटिस देने वाले हैं. क्लियर है, अगर देखो ये प्रोसीजर कब होने वाला है, ये प्रोसीजर तब होगा जब हमारा 265B का भी सबसेक्शन 4 का ए, मतलब जब मजिस्ट्रेट को लगे कि एप्लीकेशन वॉलेंट्री है, एप्लीकेशन वॉलेंट्री है, तब 265C में आएंगे. क्लियर, सो चलो अब रीडिंग लगाएंगे जहां पे 265C में बोला गया है गाइडलाइंस फॉर म्यूचुअली सैटिस्फैक्ट्री डिस्पोजिशन इन वर्किंग आउट द एमएसडी अंडर क्लॉज ए ऑफ सबसेक्शन 4 ऑफ 265B, द कोर्ट शैल फॉलो द प्रोसीजर, नेमली क्लॉज ए में क्या बोला, इन द केस इंस्टीट्यूटेड ऑन पुलिस रिपोर्ट द कोर्ट शैल इशू नोटिस टू पीपी, पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेटिंग द केस, अक्यूज्ड एंड विक्टिम ऑफ द केस, टू पार्टिसिपेट इन द मीटिंग टू वर्क आउट द सैटिस्फैक्ट्री डिस्पोजिशन ऑफ द केस. बराबर, अब प्रोवाइजो क्या कहता है, throughout the such process of working out satisfactory disposition of the case, it shall be the duty of the court. Court kya ensure karenge? Court ye ensure karega that entire process is completely voluntary. Process kaisa hai? Voluntary. Matlab kisi bhi party par wahan dabav nahi banaya ja raha hai. Provided that the accused if so desire may participate in such meeting with the pleader. यहाँ पे किसको अलाउ किया, हमने अक्यूज को अलाउ किया कि आप अपने प्लीडर के साथ ऐसी मीटिंग में, किसके साथ मीटिंग होगी, विक्टिम के साथ मीटिंग होगी, आप अपने प्लीडर के साथ आ सकते हो. नेक्स्ट बोला है क्लॉज बी, इफ द केस इंस्टीट्यूटेड अदरवाइज ऑन पुलिस रिपोर्ट, केस कैसा है पुलिस रिपोर्ट के अलावा, दैट इज टू से कंप्लेंट पे अगर फाइल कर रखा है, द कोर्ट किसको नोटिस देगा, नोटिस टू द अक्यूज एंड विक्टिम ऑफ द केस टू पार्टिसिपेट इन वर्किंग आउट ऑफ द सैटिस्फैक्ट्री डिस्पोजिशन. देखो जब हमने पहले एप्लीकेशन दिया, यहाँ देखो यहाँ जब हमने एप्लीकेशन दिया बेटा, तो नोटिस सबको दे रहे हैं हम यहाँ पे कि ऐसी एप्लीकेशन आ गई है और आप एक पर्टिकुलर डेट के लिए अपियर हो जाइए. उस दिन कोर्ट देखेगा कि एप्लीकेशन वॉलंटरी या इनवॉलंटरी. अगर वॉलंटरी है तो हम 265C में चले जाएंगे म्यूचुअली सैटिस्फैक्ट्री डिस्पोजिशन के लिए, एक डेट कोर्ट फाइनल करेगा कि इस दिन आप लोगों ने मिलना है. और वो म्यूचुअल सैटिस्फैक्ट्री डिस्पोजिशन जिसको हम वर्ड दे रहे हैं, क्या नाम दे रहे हैं, मीटिंग का नाम दे रहे हैं, तो उस दिन सिर्फ और सिर्फ अक्यूज और हमारा विक्टिम आते हैं, किसमें, कंप्लेंट केस के मामले में. लेकिन अगर FIR फाइल की गई है तो वहां पर कौन कौन आ सकते हैं, यहाँ पर पीपी भी आ सकता है, पुलिस ऑफिसर भी, एंड अक्यूज एंड विक्टिम, चारों को बोलते हैं कि आप आइए और यहाँ पर मीटिंग कीजिए. एंड अगर अक्यूज चाहे तो वो अपना प्लीडर भी साथ में लेके जा सकता है. लेकिन कंप्लेंट केस की बात करें तो अक्यूज और विक्टिम को ही हम क्या करते हैं कि भाई आप दोनों ही आपस में मीटिंग कीजिए और अपना डिसाइड कीजिए. लेकिन प्रोवाइजो में यहाँ पे फिर से बोला कोर्ट इंश्योर करेंगे कि ये प्रोसेस कैसा है स्टूडेंट्स,
कंप्लीटली वॉलेंट्री है। आगे देखो, अब यहां पर इस केस में स्टूडेंट, जहां हम सिर्फ और सिर्फ अक्यूज को बोल रहे थे कि भाई तुम अपने प्लीडर के साथ आ सकते हो, यहां पे हम अक्यूज और विक्टिम दोनों को ही अलाउ कर रहे हैं कि आप अपने प्लीडर के साथ आ जाइए, और आप चाहें तो आप क्या कर सकते हैं, आप भी यहां पर अपने प्लीडर के साथ आ सकते हैं। विक्टिम को भी बोल दिया। सबसेक्शन सॉरी क्लॉज बी का सेकंड प्रोविजो पढ़ रही हूं, प्रोवाइडेड दैट इफ द विक्टिम ऑफ द केस और द अक्यूज्ड सो डिजायर ही मे पार्टिसिपेट इन सच मीटिंग विद द प्लीडर एंगेज्ड इन द केस। बराबर, क्योंकि यहां पे नोटिस हमने सिर्फ और सिर्फ अक्यूज्ड और विक्टिम को दिया था, यहां पे तो विक्टिम को बोलने की जरूरत नहीं कि मुझे मेरे पीपी के साथ आना, अरे क्योंकि हमने दे दिया ना पीपी को नोटिस, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अक्यूज और पीपी को बुला रहे थे ना, नहीं अक्यूज और विक्टिम को बुला रहे थे ना, तो इन दोनों के पास भी प्रोवाइजो में ये राइट अवेलेबल है कि वो चाहे तो अपने प्लीडर को भी साथ में मीटिंग में ला सकते हैं। मीटिंग से जो भी नतीजा निकलेगा उसको रिपोर्ट कहाँ किया जाएगा, सेक्शन नंबर 265D में रिपोर्ट किया जाएगा। 265D में इस प्रोसीजर को प्रॉपरली रिपोर्ट किया जाएगा। अगर MSD वर्कआउट कर गया, म्यूचुअल सेटिस्फैक्ट्री डिस्पोजिशन हो गया, देन इन दैट केस मजिस्ट्रेट क्या करेंगे, एक रिपोर्ट प्रिपेयर कर देंगे कि हाँ भाई ऐसा मामला जो है वो हो चुका है, इनका प्रॉपर डिस्पोजिशन या कहें कि म्यूचुअली इन लोगों ने कुछ टर्म्स पे एग्री कर लिया है। अगर मान लो यहाँ पर वर्कआउट नहीं करती है हमारी प्ली बार्गेनिंग का मुद्दा, दैट इज म्यूचुअली सेटिस्फैक्ट्री डिस्पोजिशन वर्कआउट नहीं करता है, तो इस मामले में मजिस्ट्रेट इज गोइंग टू रिकॉर्ड द ऑब्जर्वेशन, क्या क्या ऑब्जर्व किया, क्यों यहाँ पे ये इनके बीच सुलह नहीं हो पाई है, एंड प्रोसीड अकॉर्डिंग टू द CRPC, प्रोसीड अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस गिवन अंडर दिस कोड। मतलब इस कोड में दिया गया वो प्रोसीजर जहां पर पर्सन ने एप्लीकेशन लगाई प्ली बार्गेनिंग की, उससे पहले कहां तक पहुंचे थे, वहां से अपनी प्रोसीडिंग स्टार्ट कर देंगे। ओके, 265D को एक बार पढ़ेंगे। इट सेज रिपोर्ट ऑफ MSD टू बी सबमिटेड बिफोर द कोर्ट वेयर इन अ मीटिंग अंडर 265C में गाइडलाइंस दे रखी है MSD की। Court shall prepare a report of such disposition. Okay, a satisfactory disposition of the case has been worked out. Agar work out ho gaya, court shall prepare a report of such disposition which shall be signed by the presiding officer of the court and all other persons who participated in the meeting. And if no disposition has been worked out, court shall record such observation and proceed in accordance with the provisions of this court from the stage of the application under subsection 1 of 265B. क्लियर है, तो वापस अपने केस की कार्रवाई से शुरू कर देंगे। एंड मान लीजिए अगर ऐसी डिस्पोजिशन हो चुकी है ना, मिचुअली सेटिस्फैक्ट्री डिस्पोजिशन हो चुका है, तो केस क्या होगा, फाइनली डिस्पोज होगा। और डिस्पोजल कहाँ होता है, 265E में फाइनली केस को डिस्पोज ऑफ किया जाता है। अब केस को डिस्पोज ऑफ करने के लिए जरूरी है कि म्यूचुअल सेटिस्फैक्ट्री डिस्पोजिशन स्टूडेंट्स वर्कआउट किया है, क्या है, MSD वर्कआउट किया है। वर्कआउट किया है मतलब यहां पे मैं इसको ग्रीन कलर कर देती हूँ। MSD हैज बीन वर्कड आउट। अगर MSD वर्कआउट हो गया है तो यहाँ पे कोर्ट क्या करेगा स्टूडेंट्स, मैटर को फाइनली डिस्पोज ऑफ करेगा, केस को डिस्पोज ऑफ करेगा। करेगा कैसे, चार क्लॉजेस दे रखे हैं जिसमें फर्स्ट क्लॉज बोला है वेयर अ सेटिस्फैक्ट्री डिस्पोजिशन ऑफ द केस हैज बीन वर्कड आउट अंडर 265D, कोर्ट शैल डिस्पोज ऑफ द केस इन द फॉलोइंग मैनर। क्लॉज ए, कोर्ट शैल अवार्ड कॉम्पनसेशन टू द विक्टिम in accordance with the disposition under 265D and hear the parties on the quantum of the punishment. Parties ko kya karenge, punishment ke quantum pe sunwai hogi ki chalo inhone ek dusre ko maaf to kar diya hai par ab punishment dena hai. Releasing the accused on probation of good conduct or after admonition under 360, probation pe bhi kya kar sakte hain, usko saath mein comma kiya hai, matlab isme usko probation par release karenge, uska fayda yahan pe milne wala hai usko. Or dealing with the accused under the provisions of Probation of Offenders Act or any other law and follow the procedure specified in the succeeding clauses. जो आगे के clauses में हमें procedure दे रखी है वो follow करेंगे। तो मतलब victim को compensation allot कर देंगे हम वहाँ पे, plus यहाँ पे क्या होने वाला है, accused को हम 360 का benefit देंगे या Probation of Good Conduct का benefit दे देंगे। Clause B, after hearing parties under Clause A, court is of view कि 360 या Probation of Offenders Act अट्रैक्ट होते हैं केस में, इट मे रिलीज द अक्यूज ऑन द प्रोबेशन और प्रोवाइड द बेनिफिट ऑफ सच लॉ। उनको पता चल गया कि हाँ भाई यहाँ पे इस पर्सन को हम बेनिफिट दे सकते हैं 360 का, तो उस पर्सन को सेक्शन नंबर 360 में या तो एडमोनिशन पे रिलीज करेंगे या प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट पे उस पर्सन को रिलीज करेंगे। क्लॉज सी, आफ्टर हियरिंग अंडर क्लॉज बी, कोर्ट फाइंड्स दैट मिनिमम पनिशमेंट हैज बीन प्रोवाइडेड, कि लॉ में भी एक पर्टिकुलर ऑफेंस के लिए मिनिमम पनिशमेंट प्रोवाइड कर रखा है। It may sentence the accused to half of such minimum punishment. Minimum punishment, half of what?
हाफ ऑफ मिनिमम पनिशमेंट स्टूडेंट्स. अगर कोई ऑफेंस पनिशेबल है मिनिमम बाय 2 ईयर्स, मैक्सिमम बाय 5 ईयर्स, तो 5 ईयर्स का हाफ नहीं करेंगे हम स्टूडेंट्स, मिनिमम का हाफ करेंगे, दैट इज 2 ईयर्स का हाफ करेंगे, 1 साल की पनिशमेंट यहाँ दे दी जाएगी अगर वहाँ मिनिमम प्रोवाइडेड है तो. ओके, इन केस आफ्टर हियरिंग अंडर क्लॉज बी कोर्ट फाइंड्स दैट द ऑफेंस कमिटेड बाय अक्यूज्ड इज नॉट कवर्ड अंडर क्लॉज बी और क्लॉज सी, कि भाई हम उसको उस पर्टिकुलर ऑफेंस का बेनिफिट ना तो बी में दे सकते हैं ना सी में, उस पर्टिकुलर ऑफेंस का हम हाफ पनिशमेंट दे रखा है, मतलब मिनिमम पनिशमेंट नहीं दे रखा है, बी और सी वाला बेनिफिट उस पर्सन को नहीं मिल सकता है, देन इन दैट केस इट मे सेंटेंस द अक्यूज टू 1/4 ऑफ द पनिशमेंट प्रोवाइडेड और एक्सटेंडेबल फॉर सच ऑफेंस. तो अगर हमें क्लॉज बी में ये लग रहा है कि इस पर्सन का ऑफेंस ऐसा है जिसका बेनिफिट हम 2360 में नहीं दे सकते, क्योंकि 360 में प्रोबेशन और एडमोनिशन का बेनिफिट लेने के लिए भी स्टूडेंट्स आपने कोई पर्टिकुलर ऑफेंस ही करना चाहिए, ज्यादा एग्रीवेटेड और आपने बहुत बड़ा ऑफेंस किया तो 360 में बेनिफिट नहीं मिलेगा. तो अगर लग रहा है कि क्लॉज बी में 360 का बेनिफिट नहीं मिल रहा, प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट का बेनिफिट नहीं दे सकते हम इसको, एंड क्लॉज नंबर सी में जहां हमने उसको बोला कि भाई अगर कोई ऑफेंस है, ऑफेंस का मिनिमम पनिशमेंट दे रखा है तो उसका हाफ दे सकते हैं, लेकिन ऑफेंस का मिनिमम पनिशमेंट भी नहीं दे रखा है तो ऑप्शन नंबर सी का भी बेनिफिट नहीं मिल रहा है. तो जहां बी और सी का बेनिफिट नहीं मिल रहा वहां क्लॉज डी का बेनिफिट देते हुए हम उस पर्सन को पनिशमेंट का 1/4 क्या कर देंगे, पनिशमेंट दे देंगे. जिस ऑफेंस के लिए उसको कन्विक किया जा रहा है उसमें जो उस पनिशमेंट है उसकी 1/4 पनिशमेंट हम खुद कैलकुलेट करके उसको दे देंगे. क्लियर है ये चीज? ओके, एंड जो जजमेंट यहां पर आया है 265 में, हमने जो कुछ भी डिसाइड किया है, द कोर्ट शैल डिलीवर इट्स जजमेंट इन द टर्म्स ऑफ सेक्शन 265E. मैं पढ़ रही हूँ 265F. द कोर्ट शैल डिलीवर इट्स जजमेंट इन द टर्म्स ऑफ सेक्शन 265E इन द ओपन कोर्ट एंड द सेम शैल बी साइंड बाय द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द कोर्ट. तो कोर्ट जजमेंट कैसे देगा? इन्होंने बोला ओपन कोर्ट में देगा, और वो जजमेंट किसके द्वारा साइन किया जाएगा? वो साइन किया जाएगा बाय द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द कोर्ट. क्लियर है? समझ आया ये पॉइंट? अगर ये पॉइंट समझ आया है तो अब हम चलेंगे लास्ट सेक्शन की तरफ, दैट इज लास्ट हमारे सब हेडिंग की तरफ, अदर प्रोविजंस. अदर प्रोविजंस में हमें ये ध्यान रखना है स्टूडेंट्स कि 265G ये बोलता है भाई जजमेंट फाइनल है, H बोलता है कोर्ट की कुछ पावर्स हैं, I बोलता है अगर आपका ऑफेंस चल रहा था प्ली बार्गेनिंग का आपको बेनिफिट मिल गया लेकिन कुछ टाइम तक के लिए आप जेल में ऑलरेडी अपनी सजा काट के आ चुके हो तो वो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, सेट ऑफ हो जाएगा, सेट असाइड हो जाएगा. एंड 265K क्या बोलता है, स्टेटमेंट अगर अक्यूज ने दिया है उसको हम किसी और पर्पज के लिए यूज नहीं करेंगे. ओके, चलिए स्टार्ट करेंगे हम 265G से. 265G कहता है फाइनलिटी ऑफ द जजमेंट, जजमेंट डिलीवर्ड बाय द कोर्ट, जिस कोर्ट ने जजमेंट डिलीवर किया है अंडर 265G शैल बी फाइनल एंड नो अपील. फाइनल होगा और कोई भी अपील फाइल नहीं होगी. नो अपील एक्सेप्ट स्पेशल लीव पिटीशन. स्पेशल लीव पिटीशन अंडर आर्टिकल 136 किसके पास जाती है? सुप्रीम कोर्ट के पास. And writ petition under article 226 and 227 of the constitution किसके पास जाती है? High court के पास जाती है. In any court against such judgment, जो भी आपका plea bargaining में judgment आया है 265E के अंतर्गत, F के अंतर्गत, उसका हम कहाँ appeal कर सकते हैं? Appeal तो नहीं कर सकते लेकिन writ petition लगा सकते हैं या special leave petition लगा सकते हैं. Clear है? अब हमारे कोर्ट को कुछ पावर्स दिया गया है जब वो प्ली बार्गेनिंग को डील कर रहे हैं, तो वहां पर हमारे हर कोर्ट के पास पावर है कि वो पर्सन को बेल ग्रांट कर सकते हैं, उस पर्सन की ट्रायल कंडक्ट कर सकते हैं, केस को डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस गिवन अंडर योर सीआरपीसी. तो 265H कहता है स्टूडेंट्स, अ कोर्ट शैल हैव फॉर द पर्पस ऑफ डिस्चार्जिंग इट्स फंक्शन अंडर दिस चैप्टर. चैप्टर नंबर 21A में अपने फंक्शंस डिस्चार्ज करने के लिए कोर्ट के पास कुछ पावर्स होंगे. ऑल द पावर्स वेस्टेड इन रिस्पेक्ट ऑफ बेल, ट्रायल ऑफ ऑफेंस एंड अदर मैटर्स रिलेटिंग टू डिस्पोजल ऑफ केस इन सच कोर्ट अंडर दिस कोड. तो इस कोड में दिए गए बेल के प्रोविजंस, ट्रायल के प्रोविजंस, डिस्पोजल ऑफ द केस के प्रोविजंस से रिलेटेड जो भी मैजिस्ट्रेट के पास पावर्स होते हैं वो पावर्स मैजिस्ट्रेट एक्सरसाइज कर सकते हैं जब वो प्ली बार्गेनिंग से रिलेटेड अपने फंक्शंस को डिस्चार्ज कर रहे हैं. क्लियर? मूविंग ऑन टू 265I. 265I ने बोला पीरियड ऑफ डिटेंशन अंडरगॉन बाय द अक्यूज्ड टू बी सेट ऑफ अगेंस्ट द सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट. भाई 4 साल की सजा मिली थी लेकिन 4 साल मान लीजिए 5 साल से ऑफेंस क्या है, पनिशेबल है,
ऑफेंस कैसा किया जिसकी पनिशमेंट 5 साल है, लेकिन आप 3 साल तक आप ऑलरेडी क्या कर चुके हैं, पनिशमेंट अंडरगो करके आ चुके हैं ना. देखो 3 साल एंड 3 ईयर्स, ये थोड़ा मुझे हिंदी इंग्लिश थोड़ा अजीब सा लग गया था, ठीक है. सो यस, 3 ईयर्स की पनिशमेंट आप ऑलरेडी अंडरगो करके आ चुके, तो ये क्या हो जाएगा, सेट ऑफ कर दिया जाएगा. मतलब अगर आपको पनिशमेंट मिली उस ऑफेंस से रिलेटेड, तो आपको आगे कितना, 2 साल तक ही जेल में रहना पड़ेगा. अगर पूरी की पूरी 5 साल की पनिशमेंट दी है कोर्ट ने, 3 साल तो अंडरगो कर लिया ना, तो 3 साल सेट ऑफ हो जाएगा. अब आपको कन्विक्शन होने के बाद आगे सिर्फ 2 साल जेल में रहना है, ठीक है. अब देखो आपको, मतलब इन द सेंस यहाँ पर अक्यूज को बोल रही हूँ, ठीक है. प्रोविजन ऑफ सेक्शन 428 शैल अप्लाई for setting of the period of detention undergone by the accused against the sentence of imprisonment under this chapter in the same manner as they apply in respect of the imprisonment under other provisions of this code. Clear hai? Now 265K kya bolta hai? Statement of accused not to be used for other purpose. Ab kya hota hai students? Kai baar jab meeting hoti hai, kis cheez ke liye meeting hoti hai? Mutually satisfactory disposition ke liye chapter number 21A mein meeting hoti hai. तो वहाँ पे एक्यूज काफी सारे स्टेटमेंट्स देता है कि हाँ चलो ठीक है, मैंने भी गलती की, तुमने भी गलती की, मैंने इस आवेश में आके ऐसा कोई ऑफेंस वगैरह कर दिया. तो कोई भी स्टेटमेंट एक्यूज ने दिया चैप्टर नंबर 21 का बेनिफिट पाने के लिए, उसको हम सिर्फ और सिर्फ किसके लिए यूज करेंगे, 21A में प्ली बार्गेनिंग को डील करने, इसका बेनिफिट देने या ना देने के लिए ही यूज करेंगे, बाकी किसी पर्पज के लिए यूज नहीं करेंगे. क्लियर है? ओके, मतलब इसको हम कभी भी कन्फेशन के रूप में यूज नहीं कर सकते हैं. So 265K, statement of accused not to be used. Notwithstanding anything contained in law for time being enforced, the statement or the fact stated by the accused in an application of plea bargaining under 265B shall not be used for any purpose, any other purpose except for the purpose of this chapter. So 265B mein wo application deta hai na students, to application dete waqt, एप्लीकेशन देते वक्त अगर उसने कोई भी स्टेटमेंट उसमें लिखा है, तो आप उस स्टेटमेंट को उस पर्सन के अगेंस्ट क्या नहीं करेंगे, यूज नहीं करेंगे. क्लियर ये चीज? ओके, एंड जे ने यहाँ पे सेव किए हैं, क्या सेविंग किया है, द प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर शैल हैव इफेक्ट नॉट विदस्टैंडिंग एनीथिंग इनकंसिस्टेंट देयर विद कंटेनिंग इन एनी अदर लॉ प्रोविजन ऑफ दिस कोड एंड नथिंग इन सच अदर प्रोविजन शैल बी कंस्ट्रूड और कंस्ट्रूड इन द मीनिंग ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर. मतलब कोई भी और चैप्टर में कोई और अलग बात लिखी हुई, तो वो इस चैप्टर के कॉन्टेक्स्ट में हम नहीं पढ़ेंगे, अलग अलग पढ़ना है. क्लियर ये चीज? सो देखिए, आई होप आपको ये सेगमेंट अच्छे से समझ आएगा, जहाँ पहले बेसिक्स पढ़ना है, किस पे अप्लाई होगा, किस पे नहीं अप्लाई होगा, 265A, साथ में किसको पढ़ना है, 265L को पढ़ना है, क्योंकि उन्होंने जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में दे रखे जुवेनाइल और चाइल्ड को क्या क्या एक्सक्लूड किया है, कौन अप्लाई कर सकता है, 265B में दे रखा है. म्यूचुअल सेटिस्फैक्ट्री डिस्पोजिशन CDEF को पढ़ना है, जहाँ सी में क्या कर रहे हैं, MSD कर रहे हैं हम, डी में रिपोर्ट दे रहे हैं, ई में क्या कर रहे हैं, डिस्पोजल कर रहे हैं, एफ में हम जजमेंट दे रहे हैं, फिर जी में गए, हमने बोला जजमेंट क्या होना चाहिए, फाइनलिटी होना चाहिए, एच में क्या बोला, कोर्ट के पास पावर्स है, आई में हमने बोला कि पीरियड ऑफ डिटेंशन अंडरगॉन है तो उसको सेट ऑफ करेंगे, एंड स्टेटमेंट ऑफ द अक्यूज्ड नॉट टू बी यूज्ड. एक बार वापस से मैं आपको बता दूं, हमने क्या पढ़ा स्टूडेंट्स, हमने बोला बेसिक्स है, बेसिक्स में आपको सबसे पहले क्या पढ़ना है, एप्लीकेशन एंड नॉन एप्लीकेशन. एप्लीकेशन एंड नॉन एप्लीकेशन को पढ़ते वक्त 265A और यहाँ पर भी 265A, एक और सेक्शन आप पढ़ेंगे 265L को यहाँ पढ़ेंगे, जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की बात करता है. फिर हमने बोला एप्लीकेशन लगाएगा कौन, तो 265B ने बोला अक्यूज एप्लीकेशन लगाएगा. फिर हमने बोला कि हमें प्रोसीजर बताइए, तो प्रोसीजर में क्या होता है, 265C है, 265D है, 265E है एंड 265F है. सी में क्या करते हैं, एमएसडी करते हैं, म्यूचुअल सेटिस्फैक्ट्री डिस्पोजिशन की गाइडलाइंस दे रखी है. डी में हमने क्या बोला कि भाई जो भी आपका डिसीजन आया है, वर्कआउट हुआ है, नहीं वर्कआउट हुआ, उसका रिपोर्ट बनाएंगे. ई में हम उसका डिस्पोजल करेंगे, और डिस्पोजल करते हुए हम क्या कर सकते हैं, कॉम्पनसेशन दे सकते हैं, हम चाहे तो 360 का बेनिफिट दे सकते हैं, हम चाहे तो उस पर्सन को हाफ पनिशमेंट दे सकते हैं, 1/4 पनिशमेंट दे सकते हैं. एफ में हमने क्या बोला कि भाई जजमेंट प्रोनाउंस करना पड़ेगा, जजमेंट कैसे प्रोनाउंस होगा, ओपन कोर्ट में प्रोनाउंस होगा. फिर हमने अदर प्रोविजंस डील किया, अदर प्रोविजंस में हमने क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने पढ़ा 265G पढ़ा, फिर 265H, 265I एंड 265K.
265G क्या बोलता है? 265G ने क्लियरली बोला है कि हमारा जजमेंट क्या होने वाला स्टूडेंट्स, फाइनल होने वाला है, कोई अपील नहीं होगी एक्सेप्ट 226 एंड 227 आर्टिकल में हम रिट पिटीशन फाइल कर सकते हैं एंड आर्टिकल नंबर 136 में स्पेशल लीव पिटीशन फाइल कर सकते हैं। 265H ने क्या बोला कि हमारे कोर्ट्स के पास कुछ पावर होंगे, जैसे बेल हो गया, ट्रायल हो गया, केस का डिस्पोजल हो गया। 265I में हमने क्या बोला, 265I में हमने यहाँ बोला है कि अगर पीरियड ऑफ डिटेंशन अंडरगॉन हुआ है तो हम उसको सेट ऑफ कर देंगे। एंड 265K ने बोला है कि अक्यूज ने कोई भी स्टेटमेंट दिया है तो वी विल नॉट यूज इट एक्सेप्ट फॉर चैप्टर नंबर 21। क्लियर है चीज? तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको ये पूरा अपना चैप्टर पढ़ना है। एंड इन केस इफ यू फील एनी डाउट, कि कोई डाउट है, देन यू कैन कनेक्ट विद मी थ्रू माय टेलीग्राम ग्रुप, दैट इज शिवानी सोलंकी। वहां पे एक लिंक मैंने पिन अप कर रखा है, उसको जो क्लिक करेंगे तो एक चैट बॉक्स ओपन होगा। एंड इन केस यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग व्हाट आई हैव टॉट एंड नो अदर डाउट, प्लीज डू नॉट आस्क फॉर एनी पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर्स, आई वोंट बी एबल टू शेयर दैट। इन केस इफ यू हैव डाउट रिलेटेड टू व्हाट आई हैव टॉट, देन फील फ्री टू पुट दैट डाउट इन टू दैट पर्टिकुलर चैट। ओके, एंड अपने नोट्स डेली बेसिस पे बनाते हुए जाइए। मेक श्योर कीजिए कि आप अपने मेंस के आंसर राइटिंग भी कर रहे हैं, अलॉन्ग विद दैट एमसीक्यूज भी अटेम्प्ट कीजिए। यहाँ पढ़ेंगे, फिर नोट्स बनाएंगे, रिवाइज करेंगे, एमसीक्यू अटेम्प्ट करेंगे, तो आपको चीजें पता चलेगी किस तरीके से क्वेश्चन हमारे सामने रखे जाते हैं। ओके, सो यस, दैट वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड इन टूडे सेशन। आई होप यू ऑल हैव एंजॉयड दिस सेशन। नाउ वी विल मीट इन अनदर न्यू सेशन। टिल देन, थैंक यू सो मच।